विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। आधे घंटे के लिए विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित किया, जिसके तहत अब ऐसे में कार्रवाई के दौर पर यहां पर किस प्रकार से मुद्दा गर्माता हुआ दिखाई दिया, यहां पर पक्ष विपक्ष दोनों आमने सामने होते हुए दिखाई दिए, जिसके तहत यहां पर विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। कई तमाम मुद्दों पर यहां पर बातचीत हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात, विधानसभा की कार्यवाही को आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया है। सुबह से ही विधानसभा जब जारी थी, जारी होने के बाद अब यहां पर कई बातों पर यहां बहस हुई, जिसके तहत बहस के बाद राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। स्थगन के बाद अब आगे कितनी समय में, कितनी देर में यहां पर विधानसभा शुरू होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ऐसे में चर्चाओं का दौर कैसे जारी रहेगा, किन किन मुद्दों को यहाँ पर विधानसभा में उठाया जाएगा, वो भी देखेंगे। लेकिन राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है, ये बड़ी जानकारी, और आधे घंटे के लिए स्थगित किया है। साथ ही यहाँ पर 12:39 पर कार्यवाही को यहाँ पर स्थगित कर दिया गया, तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो आधे घंटे के लिए स्थगन राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही को, 12:39 तक कार्यवाही स्थगित रहेगी विधानसभा की। आधे घंटे के स्थगन के साथ ही राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही पर यहां पर थोड़ा विराम लगा दिया गया है। आधे घंटे के बाद फिर बहस होगी, किस प्रकार से कई मुद्दे यहां पर उठकर सामने आएंगे विधानसभा में। दोनों ही प्रदेश की सरकार की तरफ से भी तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, यहां पर बोलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, आधे घंटे के लिए विधानसभा, राजस्थान विधानसभा को स्थगित कर दिया गया है, उसकी कार्यवाही को स्थगित। विपक्ष के भारी हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया। विपक्ष ने लगातार कई सवाल उठाए, जिसके बाद यहां पर राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित किया। दिनेश जागी हमारे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, आधे घंटे के लिए विपक्ष के भारी हंगामे के चलते विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने बताया कि विधानसभा की आज की कार्यवाही हंगामेदार रह सकती है। जब सुबह प्रश्नकाल शुरू हुआ 11 बजे से, तो विधायक मदन दिलावर के निलंबन का मसला राजेंद्र राठौड़ ने उठाया। भाजपा के विधायक वेल में आए और नारेबाजी करने लगे, इस पर स्पीकर सीपी जोशी ने समझाई थी और कहा कि शून्यकाल में यानी दोपहर 12 बजे बाद आप अपनी बात रख सकते हैं। जैसे ही शून्यकाल की कार्रवाई शुरू हुई, राजेंद्र राठौड़ ने अपनी बात रखनी शुरू की, लेकिन जब और दूसरे मुद्दे पर बोलने लगे तो सत्तापक्ष के मंत्रियों दीप डोटासरा और निर्दलीय विधायक शरद लोढ़ा ने उनका पुरजोर विरोध किया, जिसके चलते नारेबाजी शुरू हो गई। ऐसे में हंगामा बढ़ता गया और स्पीकर सीपी जोशी ने आधे घंटे के लिए विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। तो अब दोपहर 12:39 पर वापस विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी और इस कदर बढ़ा कि स्पीकर को स्थगित करना पड़ा। क्या लगता है दिनेश, क्योंकि आज का दिन भी हंगामे भरा देखने को मिल सकता है आगे की कार्रवाई में? जी बिल्कुल, देखिए 12:39 पर जब दोबारा सदन की कार्रवाई शुरू होगी, अभी सीपी जोशी के चैम्बर में समझाइश का दौर जारी है। विपक्ष के सदस्यों से स्पीकर सीपी जोशी बात कर रहे हैं और समझाइश कर रहे हैं, क्योंकि आज संभवतः सदन की आखिरी दिन की कार्रवाई है, तो नहीं चाहते किसी तरह का हंगामा हो। स्पीकर सीपी जोशी इसके लिए पूरे प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ऐसे में राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। तो ये आप 12:39 तक कार्यवाही स्थगित रहेगी। बहुत शुक्रिया दिनेश पूरी जानकारी के लिए। तो विपक्ष के भारी हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया, जिसके तहत अब यहाँ पर विपक्ष का हंगामा देखने को मिला, क्योंकि मदन दिलावर के मुद्दे को लेकर विधानसभा में हंगामा हुआ, जिसके तहत अब यहाँ पर 15वीं विधानसभा का 8वां सत्र यहाँ पर जारी है। लेकिन ऐसे में मदन दिलावर का मुद्दा जब यहाँ पर उठाया गया नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के तहत, तो जिसको लेकर अब यहाँ पर प्रदेश की सरकार की तरफ से भी हंगामा किया गया। और चलिए विधानसभा से सीधे लाइव हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, वहां की जिस प्रकार से आधे घंटे तक के लिए स्थगित कर दी गई है विधानसभा की कार्यवाही, तो ऐसे में मदन दिलावर के मुद्दे को लेकर हंगामा आखिर क्यों बरप गया दोनों तरफ से, बताइए जरा।
देखिए बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी पहले ही रणनीति बना चुकी थी कि मदन नहीं तो सदन नहीं, इसको लेकर शून्यकाल में तय था कि हंगामा होगा, क्योंकि प्रश्नकाल में इसका आगाज मिल चुका था, इसकी झलक मिल चुकी थी कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मदन नहीं तो दिलावर को लेकर सदन को सुचारू रूप से नहीं चलने देंगे। जैसे शून्यकाल शुरू हुआ नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ इसमें सर बोल रहे थे, वो बोल रहे थे कि जब जिस समय हंगामा किया जा रहा था मदन दिलावर वेल में जरूर पहुंचे थे, लेकिन इससे पहले वो कुछ बोल पाते संयम लोढ़ा और गोविंद सिंह डोटासरा खड़े हो गए, वो बोलने लगे और इसके बाद सदन पूरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ गया। इसके बाद तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे वो खड़े हो गए, नारेबाजी करने लगे, हंगामा करने लगे और इसके चलते स्पीकर ने करीब आधे घंटे के लिए सदन को स्थगित कर दिया है। बिल्कुल लाल सिंह, तो ऐसे में जब वापस से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी तो फिर से हंगामा देखने को मिल सकता है और यही मुद्दा लगातार उठाया जाएगा विपक्ष की तरफ से। देखिए बिल्कुल, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ये मानस बना चुकी थी और जब मदन दिलावर को बर्खास्त किया था तभी यह तय कर लिया था कि मदन दिलावर की बर्खास्तगी जब तक दूर नहीं होगी सदन में वो हंगामा करेंगे, सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से नहीं चलने देंगे। लेकिन इस बार चूंकि उनको मौका मिल गया कांग्रेस सरकार पर हमला बोलने का, राजेंद्र राठौड़ अपनी बात रख रहे थे, पूरा प्रकरण बता रहे थे, लेकिन उसने जिस तरह सीएम लोढ़ा और डोटासरा बोले उसके बाद उन्होंने हंगामा किया और सदन को स्पीकर ने स्थगित कर दिया। यानी कि आगे भी भाजपा की रणनीति साफ है कि जब तक मदन दिलावर की बर्खास्त वापस नहीं हो जाएगी तब तक सदन को सुचारू रूप से नहीं चलने दिया जाएगा। तो मदन दिलावर की बर्खास्तगी को लेकर और ऐसे में जब उनका समर्थन करते हुए क्योंकि पक्ष विपक्ष आमने सामने है तो लगातार हंगामे के आसार भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया लाल सिंह पूरी जानकारी के लिए।